नमस्कार आदाब, मैं हूँ सानिया खान, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। जैसे कि आप सभी जानते हैं, कोरोना वायरस का बढ़ता आंकड़ा देखकर लॉकडाउन 2 की घोषणा हो चुकी है। लॉकडाउन 2 के बारे में मालूम पड़ते ही लोगों में कई तरह के हालात पैदा हो चुके हैं। कुछ लोगों की तो जैसे मानसिक स्थिति रूप बदलने लगी है। कहीं कोई छींक रहा है तो लोगों में विवाद पैदा हो रहे हैं। छींकने पर व्यक्ति की पिटाई भी की जा रही है। ऐसी ही एक चौंका देने वाली खबर हम आपके सामने ला रहे हैं। नोएडा में खांसने पर युवक को गोली मार दी गई और अब पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। आपको सारा मामला बता रहे हैं। लूडो गेम खेलते वक्त एक युवक को खांसी आ गई। खांसने को लेकर दोनों में झगड़ा हो गया और उसके बाद दूसरे युवक ने पहले युवक को गोली मार दी और गोली लगने से घायल व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और अब पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। कोरोना वायरस को लेकर लोगों के मन में डर का माहौल है। साथ ही साथ खांसने या छींकने पर भी लोग डर रहे हैं, तनाव में है या फिर उनका सब्र खत्म होते जा रहा है। इसी के साथ आपको बता दें कि देश में संक्रमितों की संख्या अब बढ़कर 11,429 हो गई है, जिसमें 9,756 सक्रिय है, 1,306 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि वो डिस्चार्ज हो चुके हैं। आज महाराष्ट्र में 117 नए मामले सामने आए हैं। तो इसी के साथ प्रहार टाइम्स की सभी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें ताकि हर खबर आप तक पहुंचे। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।